जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में विराजमान हो चुके हैं, परंतु अपराधियों के हौसले कानपुर नगर में इतनी बुलंद है कि आए दिन कानपुर में घटनाएं हो रही हैं। एक मामला गांधीग्राम देवी चकेरी थाने के रहने वाले का सामने आ रहा है। दिनांक 19/30/2021 को समय लगभग 9:30 बजे कोयला नगर से गणेशपुर मोड़ पर बने देसी शराब ठेके के सामने सुमित उर्फ एम बाबा नीरज उत्तम ने हाथ जोड़कर गाली रोकी। भूत प्रोफेसर विकास वर्मा के ऊपर नीरज उत्तम निवासी देहली छोटी पुरवा के सामने सुमित राजपूत निवासी गणेशपुरवा पुत्र राधेलाल नीतीश राजपूत पुत्र बाबू सिंह नरेंद्र पुत्र राजेश उर्फ खन्ना निवासी गणेशपुर जयकरण राजपूत पुत्र वेव अन्य करीब 10 अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। जी हाँ, मामला है कानपुर के थाने चकेरी का। संगीन वारदात, लूट, चरस, गांजा, बलात्कार जैसी घटनाएं न्यूज़पेपर चैनल में आए दिन चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित पत्नी ने थानेदार पर आरोप से साठगांठ के लगाए आरोप, अभियुक्त की नहीं की जा रही गिरफ्तारी। पीड़ित पत्नी अधिकारियों की खा रही है धर धर ठोकरें, पीड़ित को नहीं दिया जा रहा अधिकारी द्वारा न्याय। पीड़ित के दिमाग में गहरी चोट लगने से पता चला कोमा में मौत की जिंदगी से रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में लड़ रही है जंग। FIR दर्ज, आरोपियों ने थाना चकेरी से मिलीभगत होने से नहीं की जा रही गिरफ्तारी। पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कमिश्नर कानपुर नगर, जिलाधिकारी कानपुर नगर से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। अब देखना यह है कि सच्चाई दिखाने पर आला अधिकारी द्वारा आरोपी पर क्या कार्रवाई की जाती है। मेरा नाम देवकुमार वर्मा है जी, और विकास वर्मा और ये मेरा भतीजा जी, गणेशपुर रोड से दोनों ही कार से गुजर रहे थे, जहां पर कुछ लोगों ने नीतीश राजपूत जिसमें नीरज उत्तम, नीतीश जयकरण, कुछ लोगों ने और कुछ अज्ञात लोगों ने मिलकर मेरे भतीजे और मेरे हस्बैंड पर हमला कर दिया। क्या वजह रही जो हमला किया? कुछ मजबूत वजह तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कुछ हमें पता चला है कि जमीन का कुछ मुद्दा था जिसमें हम लोग जमीन बेचना नहीं चाहते थे और वो लोग हमसे जमीन जबरदस्ती खरीदना चाहते थे जी। तो ऐसा ही मामला समझ में आया। तो आपने इसकी तहरीर थाने में दी? जी, हम रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं इसके लिए, और कुछ लोग इसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन जो इसके मुख्य आरोपी है जैसे कि सुमित राजपूत जी और नीरज गुप्ता, सुमित राजपूत और नीरज गुप्ता का पेश क्या करते हैं ये? सर, वैसे तो इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, लेकिन साथ ही में ये भी मालूम पड़ा है कि ये चरस और गांजे के भी व्यापारी रह चुके हैं, और इनके जो घर के लोग हैं वो इसमें पकड़े भी जा चुके हैं। दो लोग अभी भी जेल में ही है। तो अभी प्रशासन के द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? सर, पुलिस कमिश्नर के पास भी हम अपनी दो आवेदन लेकर पहुंच चुके हैं जी, और हमसे बार बार यही कहा जा रहा है कि पकड़े जाएंगे, लेकिन आज 50 दिन हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड आज की डेट में भी कोमा की स्थिति में रेजेंसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, और डॉक्टर आज भी ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो खतरे से बाहर हैं या नहीं। तो क्या आपको धमकियां वगैरह भी मिल रही है क्या? जी सर, लगातार हमको धमकियां मिल रही हैं इस बात की कि अभी तो बहुत कम मारा है, आगे और भी लोगों को मारेंगे और इससे भी ज्यादा हालत खराब करेंगे। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहेंगी? सर, पुलिस प्रशासन से जैसे कि लगातार हम गुहार कर रहे हैं, हमें कुछ संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो आज हम मीडिया के सामने उपस्थित हुए हैं इसीलिए कि हमारी जो यहाँ पर जो भी हमारी समस्या है उनको अच्छी तरीके। आप देख रहे हैं एक्शन 7 न्यूज़।